मेरा नाम कुलदीप है और मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मेरे किडनी में बहुत बुरी तरीके से पेन होता था और ये मेरी प्रॉब्लम 17-18 साल से थी। फिर पापा के दोस्त थे जिन्होंने प्रदीप सर से दवाई खाई थी, तो उन्होंने मुझे यहाँ रिकमेंडेड किया और हम यहाँ पर प्रदीप सर से बात करने आए और सर ने हमें रोबोटिक सर्जरी और ओपन सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी तीनों के बारे में बताया, तो जिसमें से हमने रोबोटिक सर्जरी को चूज़ करा क्योंकि उसमें सर ने हमें सजेस्ट किया था कि इसमें पेन बहुत कम होता है, बेड रिकवरी जल्दी होती है और उसमें घाव बहुत जल्दी बढ़ते हैं, तो इस वजह से हमने वो रोबोटिक सर्जरी चूज़ की। पेशेंट कुलदीप जो कि एक 21 साल का लड़का है, ये हमारे पास लेफ्ट साइड में फ्लैंक पेन की कंप्लेन के साथ आए थे। हमने जब इन्हें प्रॉपर इवेल्यूएशन किया तो हमने ये पाया इनको लेफ्ट साइड की किडनी में ऑब्स्ट्रक्शन है, इसको यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। हमने इन्हें सारे इवेल्यूएशन के बाद रोबोटिक पाइलोप्लास्टी के लिए एडवाइज़ किया। पाइलोप्लास्टी ऑपरेशन में जो ऑब्स्ट्रक्टेड सेगमेंट होता है उसको काट के निकाल के और उसको टांके लेके फिर हम एक उसको एक स्मूथ किडनी को एक स्मूथ फ्लो के हिसाब से हम जोड़ते हैं जिससे रुकावट पूरी खुल जाती है। तो पाइलोप्लास्टी ऑपरेशन के लिए रोबोटिक सर्जरी एक बून है जो कि सिर्फ 3 छोटे छेदों से ये सर्जरी को पॉसिबल बनाता है और एक बहुत बड़ा जो पहले ओपन इंसिजन होता था उसको ये अवॉइड करता है। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, और यहाँ का नर्सिंग स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है, सुबह शाम डॉक्टर भी देखने के लिए आते हैं। अगर आपको ऐसी कोई ये प्रॉब्लम है ना, रिपोर्ट के माध्यम से आपको पता चल गया कि आपको प्यूजो ऑब्स्ट्रक्शन है, तो आप यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, बात कर सकते हैं डॉक्टर से।